हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे। एंड वेलकम माय न्यू ब्लॉग्स। मैं हूं महक और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूं। और आज का दिन जो है बहुत ही अच्छा है। आज हर षष्ठी है, तो हर छठ का जो त्यौहार होता है MP में बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है और पूजा की जाती है हर षष्ठी माता की। तो जो बीच में थोड़ा सा जमीन पे थोड़ा होल करते हैं, उस पर पानी डालते हैं, मगर लाते हैं उस पर, और चूल्हा होती है जारी, उसको जमीन पे गाड़ते हैं, राइट। तो एक बहुत ही अमेजिंग वाली पूजा है आज घर पे, मम्मी कर रही हैं। तो मैं तो वहाँ पे हूँ नहीं, लेकिन मैं उनसे फ़ोटोज़ वगैरह मंगवाऊँगी और आप लोगों से शेयर भी करूँगी। और गाइस, अभी सुबह के बज चुके हैं 8:30 या 9 बज रहे होंगे, मे बी। कन्फर्म मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैंने टाइम अभी देखा नहीं है, बट इतना हो रहा होगा अंदाज से। तो अभी मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, और आज के ब्रेकफास्ट में क्या है मेरे पास, मिल्क बनाना, मेरा फेवरेट। मेरे को मिल्क बनाना, मिल्क पूड़ी नहीं, मिल्क बनाना एंड बनाना एंड पूड़ी एंड पराठे। बनाना के साथ मेरे को पूड़ी या पराठे दोनों अच्छे लगते हैं, रोल बना के खाती रहती हूँ मैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और ये मिल्क बनाना जो है अच्छा रहता है, सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। और बहुत सारे लोग तो शेक बना के पीते हैं, मुझे शेक पसंद नहीं आता, मुझे ऐसे अच्छा लगता है। तो आप लोग भी खा सकते हैं। कभी भी आपको अगर ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा भूख लगी है, कुछ घर पे बनाने का मन नहीं कर रहा है, तो आप लोग ऐसे मिल्क बनाना करके खा सकते हैं। छोटे छोटे पीस किए हैं बनाना के, और मिल्क अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें ब्राउन शुगर या नॉर्मल शुगर कुछ भी ऐड कर दीजिए मिल्क में, और बढ़िया से ऐसे मिला के और फिर खा लीजिए, फिर देखिए कितना अच्छा टेस्ट आता है। वाओ, अगर आप शुगर ऐड नहीं भी करेंगे तो बनाना तो वैसे भी मीठा ही रहता है, तो ज़रूरत है नहीं। बट बहुत सारे लोग रहते हैं ना, बहुत मीठा खाने की आदत होती है, तो जिनको बहुत ज़्यादा मीठा खाने की आदत है वो शुगर ऐड कर सकते हैं। वाओ, बहुत टेस्टी है, मन तृप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? मन एकदम तृप्त हो जाता है कि हाँ कुछ खाया है। तो गाइस, आप लोग भी खाइएगा, हल षष्ठी मनाइएगा खुशी खुशी। और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि घर पे पूजा हो रही है। जब घर पे पूजा वूजा होती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, खुशी होती है और बहुत एक्साइटमेंट रहता है। आज तो सारी लेडीजों के पसीने छूट रहे होंगे किचन में, पूड़ी और सतंजा क्या क्या बनता है वो सारी चीज़ें बनाएंगी, देन पूजा करेंगी। व्रत भी रखना बहुत बड़ा वाला काम रहता है आज के दिन, तो मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है इस पर। हमारे इधर मनाते हैं हल षष्ठी, अब बहुत सारी जगह ऐसे भी होगा कि नहीं भी मनाते होंगे, बट इधर तो मनाते बहुत अच्छे से। एंड गाइस, संडे में गई थी मूवी देखने, ड्रीम गर्ल 2 देखी मैंने, अभी रिलीज़ हुई है, तो मुझे अच्छी लगी, बट इतनी भी अच्छी नहीं लगी कि हाँ ऐसा था कि ऐसा नहीं लगा कि पैसे फेंक के आ गए, चलो कुछ तो देख के आए, मतलब ऐसा वाला था, पैसा वसूल वाला नहीं था। मूवी अच्छी है, थोड़ा कहीं कहीं पे फ़न है उस पर, कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ा फ़न फील होता है, बट बहुत ही झक्कास मूवी मैं नहीं बोलूँगी, मुझे इतनी खास नहीं लगी। मतलब उसमें कुछ मूवीज़ होती है ना जो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें अच्छी मेमोरी दे के जाती हैं और कुछ सिखा के जाती हैं, मुझे इस मूवी में ऐसा कुछ समझ नहीं आया। बस अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी करना, मतलब उठपटांग करते, ये सारी चीज़ें दिखाई है उसमें, तो क्या था, टाइम पास था, टोटली टाइम पास, और कुछ भी नहीं था इस मूवी में, ड्रीम गर्ल 2 में, तो मुझे इतनी अच्छी लगी नहीं। बीच बीच में तो मुझे नींद भी आ रही थी यार, और इतने लंबे लंबे डायलॉग एक ही बंदे के, मतलब ऐसे बोरिंग सा लग रहा था ना कि क्या ही बोले। और ऐसी मूवियाँ जब रहती हैं और ज्ञान भाषण ज़्यादा डाल देते हैं ना उसमें, तो और ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। तो ठीक है, इंटरटेनमेंट के लिए, ट्रू स्टोरी तो है नहीं, इंटरटेनमेंट के लिए बनाया, लेकिन फिर भी उसमें इंटरटेनमेंट इतना है नहीं, तो मुझे खास पसंद नहीं आई ड्रीम गर्ल 2। आप लोग देखना, शायद आपको पसंद आए। मेल से फीमेल बना बंदा प्यार में, ये भी अच्छी बात है भाई, कोई बुरी बात नहीं है। कृष्ण जी भी बने थे राधा जी के लिए फीमेल, है ना, वो भी राधा जी बने थे एक बारी, तो प्यार में सब कुछ जायज है, ऐसा कुछ है नहीं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मुझे पसंद नहीं आई मूवी, बस मूवी पसंद नहीं आई, बाकी तो सब ठीक है। चलिए आपको दिखा देती हूँ, जब मैं मूवी देखने गई थी ना तो कुछ कुछ शूट किया था मैंने। तो आपको पहले दिखा देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे।
तो ये देखिए गाइस, मैं हूँ रास्ते में जा रही हूँ मूवी देखने के लिए, और ये मैं आ चुकी हूँ थिएटर पे। मूवी तो अभी इंटरवल हुआ है, थोड़ा थोड़ा ठीक लगी, थोड़ा नहीं भी लगी, ठीक ठाक है, बहुत अच्छी भी नहीं है और बहुत ख़राब भी नहीं है। तो गाइस जो मूवी देखी मैंने उसका थोड़ा सा सीन शूट किया, मूवी का सीन शूट नहीं किया मैंने, बस अपना सीन शूट किया थोड़ा सा, जब रास्ते पे जा रही थी और जब थिएटर पे बैठी थी तो थोड़ा सा ऐसे ही क्लिप ले ली थी छोटी सी, कि आप लोगों से शेयर करूंगी कि मैं ड्रीम गर्ल 2 देख के आई हूँ, और अगर अच्छी लगी तो आप लोगों से शेयर भी करूंगी कि ड्रीम गर्ल 2 है कैसी मूवी। आप लोग भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए है पर इतनी भी खास नहीं है, मैं ये भी बता दे रही हूँ, पैसा वसूल मूवी नहीं है। तो हाँ, नो डाउट जितने भी कैरेक्टर हैं उसमें बहुत ही अच्छे से एक्टिंग करी है उन लोगों ने, एक्टिंग में कोई कमी नहीं है, बस अच्छी नहीं लगी मुझे, बहुत ठीक ठाक थी ऐसे वाली थी भी अच्छी भी थी और नहीं भी थी, कुछ ऐसा टाइप का था। तो गाइस ये था मेरा ड्रीम गर्ल 2 का रिव्यू। मैं चाहे खाना हो, मैं किसी होटल में खाना खाने सॉरी चाहे मैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाऊँ, चाहे मैं घर पे खाना खाऊँ या किसी के घर पे खाना खाऊँ, या मैं कहीं घूमने जाऊँ या मैं कोई मूवी देखूँ, किसी भी चीज़ का रिव्यू मैं ज़रूर देती हूँ, ये मेरे नेचर में है और ये अच्छी चीज़ भी है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो बोलिए कि हाँ अच्छी है, अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि नहीं यार बुरी है। मैं किसी भी जैसे रिलेटिव्स के यहाँ जाती हूँ ना, मुझे जो चीज़ खाने में पसंद नहीं आई या कोई भी चीज़ पसंद नहीं आई, मैं मुँह पर बोल देती हूँ ये टेस्ट अच्छा नहीं है। तो इससे क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई चीज़ें बनाएंगे तो आप वो उस पर ध्यान देंगे कि भाई ऐसी कौन सी कमी रह गई है ना। मैं तो कभी भी रेस्टोरेंट भी जाती हूँ जैसे डिनर वगैरह के लिए या लंच के लिए या कभी ब्रेकफास्ट के लिए चली गई, तो मैं वहाँ के मैनेजर को रिव्यू देके आती हूँ कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम थी, नेक्स्ट टाइम से सुधार लेना, कभी आऊँ अगर यहाँ पे तो मुझे ये प्रॉब्लम ना मिले तभी आऊँगी, नहीं तो दो बार से तीसरी बार यहाँ विजिट नहीं करूँगी मैं तो, क्या फिर मेरा फ्रेंड सर्किल भी यहाँ नहीं आएगा। तो ये रिव्यू जो है वो देना चाहिए, ये अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी इंसान को जो खाना बनाते हैं या जो वहाँ पे देख रेख करते हैं या जो भी हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और दोबारा से वो प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप लोग भी रिव्यू दिया करिए, ये अच्छी चीज़ है। बहुत टेस्टी है मिल्क बनाना, वाओ यम्मी। तो आज का ब्लॉग यहीं फिनिश करती हूँ गाइस, और फिर कल मिलती हूँ आप लोगों से। ओके चिड़िया आई है यहाँ पे, मैंने चावल रखे ना चिड़िया के लिए, कई बार आपको दिखाया भी है मैंने, वो आती रहती है। आज तो मंदिर में अंदर घुसाई थी, सब दिया ही ना अंदर नीचे गिरा दिया उसने, बहुत तोड़फोड़ मचाई चिड़िया लोगों ने, अंदर घुस आई थी मंदिर पे और मंदिर से पूरा दिया या सब नीचे गिरा दी, और जो गणेश जी हैं गणेश जी को ऐसे पीछे कर दिया था उन्होंने, तो गणेश जी लुढ़ के पड़े थे। चिड़िया आए भाई क्या कर सकते हैं, फिर पूजा वूजा करी है, चंदन देख रहे हो आप भगवान से, बोली यार क्या ही कर सकते हैं चिड़िया लोगों को, उनको इतना ही दिमाग होता तो ये करती ही क्यों। और मैंने हेयर वॉश किया है तो अजीब टाइप का दिख रहे हैं मेरे हेयर्स। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं यही फिनिश करती हूँ, कल फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए है गाइस, बाय बाय।